हाय गाइस, बी डाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंघम 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देते हैं कि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चले दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते है। दोस्तों, हाल ही में सिंघम 3 में खबर आई थी कि रणबीर कपूर इस मूवी में पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले हैं और अब फिर से सिंघम 3 सुखिया बटोर रही है। उन्होंने एक और एक्ट्रेस को रिवील कर दिया है। इसी के साथ इस सिंघम फ्रेंचाइजी के थर्ड सिक्वल को रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्शन दिया जा रहा है, जो हाल ही में इंडियन पुलिस फोर्स मूवी में भी काम कर रहे हैं। इस वेब सीरीज का भी ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये दोनों तबाही मचा रहे हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही सिंघम 3 और इंडियन पुलिस फोर्स। और सिंघम 3 से अब मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का नाम आ रहा है। रोहित शेट्टी की सिंघम 3 में खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाएगी श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस है। वो किसी ना किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। श्वेता तिवारी इंडियन पुलिस फोर्स में भी काम करने वाली है और साथ में सिंघम अगेन में भी दिखाई देने वाली है। श्वेता तिवारी ने कहा है कि रोहित शेट्टी के बारे में कि सर से पहली मुलाकात खतरों के खिलाड़ी के दौरान हुई थी, तब मुझे उनसे बहुत ही डर लगता था। जब वे बात करते हैं तो उन्हें देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वे मजाक कर रहे हैं या गंभीर है। रोहित सर का व्यवहार मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वे दूसरों लोगों की तरह ही ये एहसास नहीं दिलाते हैं कि आप टीवी से आए हैं। उनके साथ काम करने वाले सभी कलाकारों को बराबर सम्मान मिलता है। और इसी मुलाकात के साथ उन्होंने सिंघम 3 में उनका सिलेक्शन किया था। और इस सिंघम 3 में हमें अजय देवगन सर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, करीना कपूर खान, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण जैसे बहुत ही बड़े स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। और इसी में श्वेता तिवारी एक खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाएगी। इस मूवी में अर्जुन कपूर एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं और इस मूवी को एक हाई लेवल के बजट पर बनाया गया है। साथ में इसमें दमदार एक्शन के साथ साथ दमदार डायलॉग बाजी भी देखने को मिलेगी। इस सिंघम 3 मूवी का क्लैश हुआ है पुष्पा 2 मूवी के साथ, जो एक साउथ की मूवी है और अल्लू अर्जुन की मूवी है। 2023 की तरह ही 2024 में भी हमें साउथ और बॉलीवुड का टकराव देखने को मिलेगा। जैसे सलार और डंकी का हुआ था, वैसे ही पुष्पा 2 और सिंघम 3 का होने वाला है और ये दोनों मूवी 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप भी ये सिंघम 3 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।